संधान धाम ऑल गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम सैटेलाइट ना माध्यम थी जोड़ती कड़ी एटले संधान नमस्कार दर्शक मित्रों आज मैं बात करने जा रहा हूं कंप्यूटर परिचय भाषा और विशेषताएं आप सबको मालूम होगा कि गुजरात में धौलावीरा जो जगह है वहां पहली बार लिपि का अनुसंधान हुआ ये बात पूरे विश्व के भाषा वैज्ञानिक मानते हैं लेकिन सोलहवीं शताब्दी से लेकर इक्कीसवीं शताब्दी के बीच में जो तकनीक सूचना प्रौद्योगिकी और भाषा का कम्बिनेशन बना उसका एक समुच्चय जो है कंप्यूटर है सवाल ये उठता है कि जब हम लिपि की बात करते हैं तो लिपि के साथ ही साथ फोन्ट की बात आती है क्योंकि सोलह ईस्वी सो में जानवरों के हड्डी के आधार पर गणना करने का यंत्र जो है स्काटलैंड के गणितज्ञ जान नेपियर ने खोजा था और इसी आधार पर जर्मन वैज्ञानिक गणितज्ञ विलियम आर्टरेड ने 1620 सौ ईस्वी में लागरथम का स्लाइड रूल बनाया था यानी किस तरह से आप देखेंगे तकनीक भाषा संवेदना इनका समुच्चय हो हो रहा है आगे चलकर पास्कल का कैलकुलेटर आया फ्रांसीसी गणितज्ञ दार्शनिक लेज पास्कल ने सोलह ईस्वी में आविष्कार किया जन्म, जर्मन गणितज्ञ ग्राट फीड ने सोलह ईस्वी में इस कैलकुलेटर में काफ़ी कुछ सुधार किया जे एम मूलर ने सत्रह ईस्वी में डिफरेंस इंजन की कल्पना की 1823 सौ ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणितज्ञ प्रोफेसर चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया जिसकी सहायता से विभिन्न बीज गणतीय फलनों का मान दसलों के स्थानों तक ज्ञात किया जा सकता है कंप्यूटर विश्लेषक मशीन को पांच भागों इनपुट इकाई संग्रहण गणतीय प्रक्रियाएं, नियंत्रण एवं आउटपुट इकाई में बांटा। यह बात पश्चिमी विद्वानों ने कही है लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो हमारे यहाँ आर्यभट्ट ने आर्यभटी जिसमें गणित और खगोल विद्या की बात हुई थी और आपने देखा होगा कि पूरे भारत में जो वेधशालाएँ बनी थी चाहे जयपुर की हो या उज्जैन की हो उनसे गणना की जाती थी यानी पश्चिम देशों ने तकनीक और विज्ञान का ऐसा सुमेल किया और उसी का एक समुचित रूप जो है हमारे सामने कंप्यूटर के रूप में आया है लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध जैसे समाप्त तो होता है वैसे ही बैबेज ने पंचकार्ड उपकरण में कुंजी पटल कार्ड होपल पंचिंग मशीन कार्ड स्टेकर 1930 सौ ईस्वी के आसपास खोजा सभी कैलकुलेटिंग मशीनें यांत्रिक हुआ करती हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय के होवार्ड एकिंस एवं ग्रेस हापर ने आईबीएम के सहयोग से उन्नीस सौ ईस्वी में मार्क फर्स्ट कंप्यूटर तैयार किया यानी पहला कंप्यूटर उन्नीस सौ ईस्वी में हमारे सामने आता है यह बात अलग है कि उस समय पर उसकी खोज जो हुई वो उनकी भाषा में हुई क्योंकि किसी भी भाषा को जीवंत रखने के लिए अगर उसमें खोज होती है तो उसका यंत्रों का सहारा लेना यंत्र और विज्ञान दोनों का सहारा लेना पड़ता था इसीलिए हमारे यहाँ कंप्यूटर को डॉक्टर रघुबीर के मतानुसार उनके आधार पर जो गांसल बनी शब्दकोश बना उसमें उसे संगणक बोलते हैं यानी कंप्यूटर आज जन सामान्य में कंप्यूटर ही प्रचलित है लेकिन सामान्यतया देखा जाए अगर हिंदी रूपांतरण इसका किया जाए तो संगणक होता है इसके भी पीछे कारण है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर अमेरिका विश्वविद्यालय के प्रेस्टर एकड एवं जान माचली ने उन्नीस ईस्वी में विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज की उन्नीस ईस्वी में जान फान न्यूमैन ने इस कंप्यूटर में बाइनरी पद्धति और प्रोग्राम संग्रह करने का सुझाव दिया यानी धीरे धीरे आप देखा होगा कि कंप्यूटर में जिसे हम संगणक कहते हैं उसमें सुधार आना शुरू हो गया लेकिन जिन वैज्ञानिकों ने खोजा या तो उनकी भाषा अंग्रेजी रही सामान्यतः देखा जा रहा है कि अंग्रेजी में ही सारी चीज़ें आ रही हैं हम इसकी बात आगे करेंगे लेकिन थोड़ा सा परिचय हम दे दें आपको ए, दूसरा जो स्टेज आता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडसिक को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा उन्नीस में लॉन्च किया गया इलेक्ट्रॉनिक डिसोरेल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवेक को अमेरिका के पेंसी लवानिया विश्वविद्यालय के मूर स्कूल द्वारा 1950 में खोजा गया लॉन्च किया गया यानी आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे तकनीक और विज्ञान के विनियोग से भाषा और संवेदना को पकड़ने की कोशिश की जा रही है हालांकि ये सारे के सारे जो वो थे अरपा ने तैयार किया था एडवांस अरपा का मतलब एडवांस प्रोजेक्ट मतलब एजेंसी जो है उसने रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने तैयार किया था अमेरिका की और ख़ास तौर से ये जो कंप्यूटर उपयोग हो रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सैनिकों के बीच समाचार आदान प्रदान और सारी चीज़ें की जानकारी लेने के लिए किया गया था इसलिए आगे चलकर इसका जो विकास होता है यूनिफर्स्ट यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर प्रथम अंकीय कंप्यूटर का निर्माण रेमिंगटन एंड कंपनी ने किया था यानी अब आप देखिए कि धीरे धीरे इसमें विस्तार हो रहा है इसीलिए इसका नाम संगणक हमारे यहाँ क्या रखा गया संगणक लेकिन आज हिंदुस्तान में कोई इसे संगणक नहीं बोलता है फिर चौथा जो स्टेप आता है एपल सेकंड 1977 में अमेरिका एपल सेकंड बिजनेस माइक्रो माइक्रो खोज निकाला यानी एक तरफ था कि जहाँ मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से मिलिट्री के लिए उपयोग किया जा रहा था उसे बाद में विश्वविद्यालयों से जोड़ा गया और विश्वविद्यालयों से जोड़ने के बाद उसे बिजनेस के क्षेत्र में लाया गया हम यहाँ चूंकि परिचय दे रहे हैं आगे इसकी विस्तार से हम चर्चा आपके सामने रखेंगे एक समय ऐसा आया उन्नीस के आसपास जब अमेरिका ने भारत को कंप्यूटर देने से मना कर दिया उस समय पर डॉक्टर विजय पी भाटकर के नेतृत्व में उन्नीस ईस्वी से लेकर उन्नीस ईस्वी में एक नया कंप्यूटर शुरू किया गया जिसका नाम था परम दस हज़ार अब परम दस हज़ार कंप्यूटर के बाद आप देखेंगे तो कंप्यूटर के कई प्रकार कई विकास की कई गतिविधियाँ मिलेगी इन लाख कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर हाईब्रिड कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर पी सी एक्स टी कंप्यूटर पी सी ए टी कंप्यूटर पेंटिनम कंप्यूटर और आज तो आप लैपटॉप और स्मार्टफोन वगैरह में देख ही रहे हैं अब बात यहाँ पर आ रही है हिंदी की क्योंकि हिंदी में किस तरह से पढ़ाया जा रहा है क्या हो रहा है उसके बारे में मैं बात करूँगा मित्रों यहाँ जब हिंदी के आने के पहले हमारी जो लिपि है जिसे आप फोन्ट बोलते हैं हमारी लिपि देवनागरी लिपि है और इस देवनागरी लिपि की अपनी खास विशेषता है कि ध्वनि जो निकलती है वही लिखा जाता है और विश्व की सबसे एप्रोप्रिएट सबसे उचित मानदंडों पर लिखी जाने वाली देवनागरी लिपि है हालांकि इसके संकेत लिप चित्रलिप शारदा लिप, लिप कुटिलिप खरोस्टी लिपि ब्राह्मी लिप के बाद देवनागरी लिपि आती है और इसका उद्गम केंद्र मैंने आप के कहा कि मतलब भुज में धौलावीरा है लेकिन आज स्थिति यह है कि फोंट की तकलीफ हमारे सामने है लेकिन इस फोंट की तकलीफ को भी आईआईटी कानपुर के शोधकों ने संशोधकों ने कोशिश की और कोशिश इसलिए की गई कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था और तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन दिल्ली में हुआ होने जा रहा था और उसका समय था उन्नीस इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और उन्नीस से लेकर उन्नीस तक में आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने तकनीकी आईआईटी कानपुर के तकनीकी वैज्ञानिकों ने भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए फोन्ट की असुविधा को दूर करते हुए जब तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ उस उन्नीस में तो उसमें सिद्धार्थ नाम का कंप्यूटर जो है उन लोगों ने लॉन्च किया लेकिन फिर भी अंग्रेजी में लिखते समय हमें दिक्कत नहीं होती है जबकि हिंदी ही नहीं भारत की तमाम भारतीय भाषाओं को लिखते समय फोन्ट की तकलीफ़ आती है इस तकलीफ से आप सब परिचित होंगे अब आप देखें कि हिंदी के जो सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं उन कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर साप, भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रकार से हैं जैसे हिंदी के कुछ सॉफ्टवेयर हैं ए पी एस कार्पोरेट फैक्ट सुलिप सुविंडो जिस, जिस्ट जिस्ट सेल जिस्ट कार्ड जिस्ट टर्मिनल लीप ऑफिस टू थाउजेंड लीला हिंदी प्रबोध आकृत हिंदी पी सी डास भाषा शब्दमाला आलेख शबरत्न शूवर शब्द सम्राट श्रीलिपि बैंक मित्र श्रीलिपि अंकुर विंडोज पर अक्षर मेट गुरु हिंदी वाणी आदि आदि अभी भी हमारे यहाँ भारतीय भाषाओं और हिंदी को लेकर के फोन्ट की विविधता के चलते एक कंप्यूटर में जो फोंट है अगर प्रिंटर के पास नहीं है आप ड्राइव में लेकर दूसरी जगह अगर प्रिंट कराने जाते हैं या ईमेल करते हैं तो बड़ी दिक्कतें आती हैं इसीलिए बच्चे या जो भी हैं चाहे वो कंप्यूटर हो या स्मार्टफोन हो या व्हाट्सअप करना हो सब अंग्रेजी में कर रहे हैं अंग्रेजी मतलब गुजराती है तो गुजराती को अंग्रेजी रोमन में लिख रहे हैं हिंदी को भी रोमन में लिख कर रहे हैं क्यों क्योंकि सामने वाले का फ़ोन चाहे एस एम एस हो या व्हाट्सएप हो अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो तकलीफ़ हो जाएगी इसलिए अभी भी ये दिक्कत हमारे साथ बनी हुई है इस दिक्कत को हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो भाषा की दृष्टिकोण से केंद्रीय हिंदी निदेशालय है जो दिल्ली में है दूसरी तरफ अगर आपने ध्यान दिया होगा भारतीय भाषा संस्थान है जो मैसूर में स्थित है ये लोग भी प्रयास कर रहे हैं विदेशी भाषा संस्थान जो है हैदराबाद में है तीसरी तरफ चौथी तरफ आप देखेंगे केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है आगरा में है उसकी ब्रांचेज जो है अलग अलग प्रदेशों में है लेकिन मेन ऑफिस आगरा में है यानी हिंदी के विकास विकास के साथ ही साथ भारतीय भाषाओं से उसको किस तरह से कंबाइंड किया जाए जोड़ा जाए इसका पूरा प्रयत्न चल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से अंग, अंग्रेजी में वो कब यानी शब्दकोश इंसाइक्लोपीडिया विकीपीडिया जो अप, उपलब्ध है उस तरह से हिंदी या किसी भी भारतीय भाषा में उपलब्ध नहीं है किसी भी भारतीय भाषा जैसे मान लीजिए अगर हमें गुजराती से हिंदी में अनुवाद करना है तो ई ट्रांसलेशन हमारे यहाँ शुरू हुआ है लेकिन ई ट्रांसलेशन शुरू होने के बावजूद भी अगर हम प्रशिष्ट गुजराती का उपयोग करते हैं तो उसका अनुवाद ई ट्रांसलेशन के तहत होगा लेकिन अगर प्रशिष्ट गुजराती का प्रयोग हमें नहीं किया है तड़पदी गुजराती का प्रयोग किया है तो तड़पदी गुजराती या उर्दू या अरबी कोई भी तड़पदी भाषा हो उसका ट्रांसलेशन मतलब स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में नहीं हो पा रहा है इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि आज सूचना प्रौद्योगिकी के युग में टेलीविज़न दूर संचार निगम लिमिटेड आपका ये सब आपके मोबाइल पर आ गया ई गवर्नेंस के तहत चाहे चीफ इलेक्शन ऑफिसर की वेबसाइट हो हायर एजुकेशन की वेबसाइट हो सब आपके मोबाइल पर आ गई लेकिन सारी वेबसाइट अगर जब आप खोलते हैं तो उनको खोलने का एक ही माध्यम जो आ रहा है अंग्रेजी आ रहा है यह बात अलग है कि उसे हम गुजराती में अपडेट करते रहते हैं लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत जो राजभाषा प्रकोष्ठ है उस राजभाषा प्रकोष्ठ के तहत जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है वहाँ पर सीडेक की स्थापना की है जो पुणे में है उसने यूनिकोड खोल निकाला है लेकिन इसके पहले आप देखिए कुछ हम आपको बात भाषा के संबंध में करना चाहते हैं क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान इंजीनियरिंग भाषा संवेदना मतलब सब का एक समुच्चय है यानी तकनीक को एक एंगल से मत आप देखिए आज आपने ध्यान दिया होगा कि आल गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम बाइसिक जो चला रहा है इसमें जितनी भी भाषाएँ गुजरात में पढ़ी पढ़ाई जाती हैं उनको रिले तो हम कर देते हैं लेकिन रिले करने के साथ वॉइस टू स्पीच वॉइस टू टेक्स भी आ गया है लेकिन अगर उच्चारण सही नहीं होगा तो मशीन जो है उसे शुद्ध उच्चारण में टाइप नहीं कर सकती है एक सीमा भी है लेकिन जब लोगों ने इसे बनाया और आप इसकी कोशिश की तो कंप्यूटर की भाषा जो है बाइनरी होती है यानी जीरो एवं एक से बनती है अब ध्यान दीजिए कंप्यूटर की भाषा में उत्तरोत्तर सुधार हो रहे हैं आवश्यकताओं के अनुसार पहले अंग्रेज़ी में था धीरे धीरे अलग अलग फोन निकाले गए अल अलग अलग फोटों के तो आधार पर उसी कीबोर्ड पर टाइप किया गया अब तो इंसर्ट का समय आ गया है अगर मोबाइल में है तो मोबाइल में तो कीबोर्ड है ही नहीं है तो मोबाइल में कीबोर्ड होने ना होने के बावजूद जैसे कर सो अंगुली आप टच करते हैं वैसे मतलब आता है लेकिन वो भी अंग्रेजी में आप टाइप कर रहे हैं अगर स्पेस देते हैं तो हिंदी हो जाता है या गुजराती हो जाता है इसलिए इस ये भाषा में तीन प्रकार की भाषाएं एक तो मशीनी भाषा है कंप्यूटर की एक असेंबली भाषा है और दूसरी जो है उच्च स्तरीय भाषा है मशीनी भाषा जिसे हम यानी ज़ीरो से एक के माध्यम से हमारी भाषा को सम कंप्यूटर समझता है अतः हमारी भाषा के प्रत्येक वर्ण या शब्द को नंबर में बदला जाता है प्रत्येक कंप्यूटर का सीपीयू निर्देशों के एक समूह को समझता है मशीन का सर्किट मशीनी भाषा को समझकर उसे विद्युतीय संकेतों में परिवर्तित कर देता है बाइनरी या द्वि आधारित प्रणाली में अंक गणना शून्य एवं एक के आधार पर ही की जाती है उदाहरण के लिए जीरो से नौ तक के अंकों की मशीनी भाषा में दो आधारी गणना निम्नानुसार होगी जीरो की जीरो एक की एक दो की दस तीन की ग्यारह चार की सौ पाँच की एक सौ एक छः की एक सौ दस सात की एक सौ ग्यारह आठ की हज़ार और नौ की एक हज़ार एक यानी ये ऐसे गणना बढ़ती जाती है लेकिन किस तरह से इस मैथमेटिक्स को विद्युत यंत्रों द्वारा वर्ड में कन्वर्जन किया जाता है ये पूरा इंजीनियरिंग और उसका काम है कंप्यूटर के अंदर जो सी है उसके आधार पर होता है दूसरी जो भाषा इनकी है असेंबली भाषा है असेंबली भाषा प्रतीक कोड होती है देखिए कोई भी भाषा हो वो प्रतीक है प्रतीक जैसे मान लीजिए क है जब लिप की खोज की गई जिसे आप फोन्ट कहते हैं आज के शब्दावली में कंप्यूटर की शब्दावली में तो अगर क है तो क इसी प्रकार से लिख उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते ये प्रतीक बन गया है जैसे कमल है तो कमल हमें कहना पड़ेगा अगर मैं स्टूडियो में हूँ तो स्टूडियो हमें कहना पड़ेगा अगर हम असेंबली हाल है तो उसे हमें सभागार कहना पड़ेगा यानी अंग्रेजी का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ता जा रहा है चूँकि पूरा कंप्यूटर का सिस्टम ही अंग्रेजी में है इसलिए मतलब कई बार लोगों को अर्थ समझने में दिक्कतें भी आती हैं अंग्रेजी भाषा के वर्णाक्षरों को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया जाता है आपने ध्यान दिया होगा जब आप कंप्यूटर पर मतलब टाइप करते हैं तो वहाँ तो हिंदी का कीबोर्ड है ही नहीं है वहाँ फिर आप क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं बटन दबाते हैं और बटन दबाने के बाद फिर वो मतलब आ, आ, इ, सब पूरे अच्छर आ जाते हैं उसके आधार पर इंसर्ट करके फिर आप हिंदी में वो करते हैं दूसरी तरफ आप देखें मित्रों जैसे चांद हम लिखते थे चंद्रबिंदी लगाते थे